हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेस्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई, कुछ जो बिहार वाला पेपर है, पीजीटी वाला उच्च माध्यमिक, उसके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सामने लेके आई हूँ। और जो मुझे ये लगा कि हाँ, आपके लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है उसके बेस पर या उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ से ना वेरिएबल को सेपरेट कर सकती हूँ, है ना। ये वेरिएबल सेपरेशन वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो मैं इसमें से वेरिएबल सेपरेट कर सकती हूँ। कैसे? ये तो 1 + x है, इसमें से क्या करेंगे? देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 + x बचेगा। और देखो, अगर मैं पूरे में से 1 + x कॉमन ले लूँ तो ये 1 + y² आ जाएगा। हो गए ना वेरिएबल अलग अलग, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। तो क्या हुआ, जो x वाली टर्म है उसको x के साथ ले आओ, जो y वाली टर्म है उसको y के साथ ले जाओ। तो ये y वाली टर्म उठ के इधर y के साथ आएगी, तो ये dy/1 + y² और ये dx उधर x के साथ, 1 + x के साथ उठ के चला जाएगा dx। और देन क्या कर दो, इंटीग्रेशन। देन क्या कर दे, इंटीग्रेशन। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, टैन इनवर्स वाई का। और ये क्या है, एक्स 1 का, और एक्स का क्या हो जाएगा, x² / 2, और प्लस कांस्टेंट ऐड होगा। बट मुझे कांस्टेंट जो है वो आंसर में नजर नहीं आ रहा, जो इसने अचर जो ऐड किया हुआ है वो आंसर में नजर नहीं आया। तो क्या करते हैं, ये दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये x, देखो हम लिखते हैं ना y ऑफ x, तो ये क्या है, x है। कि जब x 0 है तो y भी क्या है, 0। तो x 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 + 0 + c। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। c की वैल्यू 0 यहाँ रख दें तो क्या बनेगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू x इंटू 1 + x/2। मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ से, और c की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब भी आंसर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसने ना यहाँ पर y में आंसर निकाला हुआ है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर y को यही रखते हैं, tan को उठा के लेके जाएंगे tan इनवर्स को, तो उधर जाके ये tan बन जाएगा x इंटू 1 + x/2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ये आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसने कहा कि एक झोले में से 10, एक झोले के अंदर 10 आम थे जिसमें से 4 सड़े हुए थे। 4 सड़े हुए थे, 4 जो थे वो सड़े हुए थे, मतलब खराब थे, रोटन थे, जो भी थे। और जो बाकी बचे, टोटल 10 आम थे ना, 10 आम थे, उसमें से 4 निकल गए जो सड़े हुए थे, तो 4 क्या बचे, गुड, जो अच्छे आम थे। ठीक है, जो अच्छे आम थे वो कितने बच गए, 4। यदि उनमें से एक अच्छा आम है, यदि उनमें से ए हम 2 आम एक साथ निकाले जाते हैं, हमें 2 आम निकालने हैं, 2 आम निकालने हैं, यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के भी अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, कि अगर मैं पहला आम निकालूं, वो पहला आम अच्छा है, तो जब मैं पहला आम निकालूंगी तो पहले आम को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने आम थे, 10। नीचे क्या आते हैं, टोटल मैंगोस। नीचे क्या आते हैं, जितने टोटल आम, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मेरे पास होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर जो चीजें थिंग्स हमारे पास होती हैं, तो कितने हैं आम हैं, उनमें से जो अच्छे आम हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो मुझे एक आम निकालना है, तो मैं वो एक आम निकालूंगी तो वो इन 6 में से एक है ना, तो मेरे पास ऊपर। अब इनटू, अब यहाँ क्या होगा, एक आम मैंने निकाल लिया 10 में से, अब आम कितने बचे, 9। जो टोटल आम बचे वो 9 बचे, लेकिन उनमें से जो अच्छे आम बचे वो कितने बचे, क्योंकि इसने तो कहा था ना अच्छा आम होने की, तो 6 आम थे अच्छे, 6 अच्छे आम थे, एक मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, तो अच्छे आम कितने बचे, 5। अच्छे आम कितने बचे, 5। तो ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो कट कर लेते हैं। 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी इसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि दोनों आम जो हैं, 10 आम थे, 10 में से अगर मैं दोनों आम अच्छे निकाल लूं तो वो 1/3 उसकी प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आगे बात करते हैं, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, मुझे इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। डोमेन मतलब मुझे इसका प्रांत निकालना है। जब भी मुझे किसी फंक्शन का प्रांत निकालना हो, तो किसी फंक्शन का प्रांत होता क्या है, उसकी उसकी रेंज, उसकी डोमेन होती क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये एफ ऑफ एक्स जो है ये रियल मतलब वास्तविक हो और फाइनाइट हो। क्या
क्या हो, रियल हो और फाइनाइट हो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ये रियल और फाइनाइट आ जाएगा, वो इस फंक्शन की इस फलन की प्रायिकता प्रो सॉरी प्रांत आ जाएगा। तो अब ये अंडर रूट के अंदर है, अब ये जो भी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये अंडर रूट 2 रेज टू पावर x - 5 रेज टू पावर x, अब ये जो भी नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। अगर नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट के अंदर तुम्हें पता है अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होता है, आयोटा। तो लेकिन हमें तो रियल बनाना है तो इसका मतलब ये जो भी है 2x - 5 रेज टू पावर x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और साथ साथ 0 के इक्वल भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर है ना नीचे तो है ही नहीं, अंडर रूट 0 निकाल लेंगे तो वो भी 0 आएगा जो कि फाइनाइट है। मीन्स 2 रेज टू पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 5 रेज टू पावर x से। अब 2 रेज टू पावर x कब ग्रेटर हो सकता है 5 रेज टू पावर x से, अब मुझे ये देखना है। अगर मान लो मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, मैं x को 0 ले लेती हूँ, मैं x को 0 ले लेती हूँ, मतलब x सॉरी 0 से लेस, 0 से लेस ले लिया मैंने, 0 से लेस मतलब 1 -1 -2 -3, मैं -1 लेती हूँ, तो मैंने -1 लिया, 1 -1 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर -1, 1/2 ग्रेटर होगा 1/5 से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो 1/2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर होगा 1/25 से, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं। लेकिन नेगेटिव में ना अब इसने देखो यहाँ पर हमने इक्वालिटी ली है, तो ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे जब एक्स 0 होगा, ये इक्वल कब होंगे जब एक्स 0 होगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1 रख दी और इसकी पावर भी 1 रख दी, तो सॉरी 0 रख दी, तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होते हैं, तो दोनों 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास लेस पर ये कंडीशन, ग्रेटर पर सॉरी एक्स जब लेस है 0 से तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है, और साथ में एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी, क्योंकि एक्स को 0 लेंगे तभी ये इक्वल हो सकते हैं, इक्वल वाली कंडीशन भी है ना, तो वो भी साथ में रखनी है। इसने कहा स्ट्रिक्टली एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन 0, यहाँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन इक्वल टू वाला होगा क्योंकि 0 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। और अगर मान लो तुम पॉजिटिव ले लेते, 2 की पावर तुमने 1 ले ली, तो क्या 2 की पावर जब एक्स को 1 लोगे पॉजिटिव के लिए बता रही हो, अगर मान लो तुमने एक्स को 1 ले लिया तो पॉजिटिव पावर में क्या 2 बड़ा है 1 से, नहीं है। तुमने एक्स को 2 ले लिया तो 4 बड़ा है 25 से, नहीं है। तो ये कंडीशन सिर्फ होल्ड कब हुई है जब एक्स को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव के साथ साथ इक्वल इक्वल इक्वालिटी पर भी जब एक्स को 0 पुट कर रहे हैं तब भी ये कंडीशन होल्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस, किसी बिंदु, ये कोई बिंदु है 4 और 5, इस बिंदु से ये मेरे पास एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है, तो इस बिंदु से इस वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इस बिंदु से इस वृत्त तक जो रेखा खींची गई है, मान लो ये P और ये T है, तो इस PT की लेंथ निकालनी है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। जब भी तुमसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा, तो वो क्या होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ S1। जब स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा किसी पॉइंट से तो वो होगी अंडर रूट S1। अब ये S1 क्या है, देखो S किसको मान लो, जो भी तुम्हारे पास ये दिया हुआ है x² + y² + 2x - 6y - 6 = 0, ये क्या है, इसको S मान लो, ठीक है, ये कोई इसको क्या मान लो, S मान लो, कि जो भी कॉनिक तुम्हारे पास सर्कल दिया हुआ है सर्कल को, और जो पॉइंट दिए हुए हैं ये तो S(x,y) था, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट, जिस पॉइंट से मुझे लेंथ निकालनी है, वो पॉइंट पुट करने के बाद जो आएगा वो होगा S1। पॉइंट पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी S1। तो एक्स को 4 और वाई को कितना पुट कर दो, 5, तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 * 4 - 6 * 5 - 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एस था तुम्हारा, 0 रहने दो, तो ये 16 + 25 + 8 - 30 - 6, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया -36,
-36 में से 16 घटाओगे तो -20, -20 में 25 जोड़ोगे तो +5, और +5 में 13 8 ऐड करोगे तो 13, तो S1 कितना आ गया 13। तो S1 का क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 13 जो है वो इस टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। हमेशा जब भी किसी भी कॉनिक के टेंजेंट की लेंथ पूछे तो वो जो कॉनिक है उसमें जिस भी पॉइंट से पूछा गया है, जिस भी पॉइंट से पूछा गया है उस पॉइंट को कॉनिक की इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दो। उसका क्या कर दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, उसका वर्ग, उसका जो है स्क्वायर रूट कर दो, उसका वर्गमूल कर दो। हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं ना, तो उसका वर्गमूल कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो है दे छोटे या बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक को निरूपित करता है। ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमेशा। वैसे तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट याद रखना कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या आएगा, जो भी अपर लिमिट है उसके साथ e-1, मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नन ऑफ दिस, इसमें से आंसर ही नहीं है। कैसे निकालोगे, तो ये देखो, जब भी इसका इंटीग्रेशन करना हो, 0 to 1 e रेज टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब ये देखो, ये जो फंक्शन दे रखा है, इस ऊपर वाले की बात करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका जो पीरियड होता है, इसकी आवृत्ति जो होती है, इसका जो पीरियड होता है, इसका पीरियड होता है 1। ये किसके पीरियोडिक होता है, 1। 1 वो सबसे लीस्ट वैल्यू किसी फंक्शन का। पीरियड क्या होता है कि उस फंक्शन में मैं कोई टी ऐड कर दूं और उस फंक्शन की वैल्यू वापस वही आ जाए। ठीक है, कोई टी ऐड कर दिया और फंक्शन की वैल्यू वापस वही आ गई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। और अगर टी वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, टी क्या है, टी वो सबसे लीस्ट वैल्यू है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू वापस वही आई है, तो वो टी उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो ये 1 सबसे लीस्ट वैल्यू है जिसको मैं इसमें ऐड करूंगी, जिसको मैं इसमें ऐड करूंगी, और मेरे पास ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है इसका पीरियड 1 होता है। ठीक है, और मेरे पास एक कंडीशन है, उसका पीरियड 1 है। तो हमने क्यों पीरियड की बात की, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, 0 to n t, यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर ये टी इस एफ ऑफ एक्स का पीरियड है, अगर ये टी इस एफ ऑफ एक्स का पीरियड है, तो ये एन जो है ये आगे आ जाता है और ये 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये 1 इसका पीरियड है, तो ये 1000 आगे आ जाएगा, ये 1000 आगे आ जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x क्यों लिखा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ गया, मुझे पता है कि जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या हो जाता है, 0। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये क्या बचेगा, आप डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1000 इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे 1000, 1 पुट करेंगे तो ई, 0 पुट करेंगे तो 1, तो आंसर आ जाएगा 1000 × e−1। हमेशा याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा अपनी लेफ्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे इसने कहा है, माना कि ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, तो ए का बी पर प्रक्षेपण और बी का ए पर प्रक्षेपण निकालो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जब ए ऑन बी प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन, नीचे क्या आएगा, जो बाद में दे रखा होगा, ये याद रखो। बाद में क्या है, प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना है, तो बी, यहाँ पर बी ऑन ए है तो ए डॉट बी अपॉन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये क्या बचेगा,
ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू उल्टा ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगी अपॉन ए डॉट बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मुझे किसी नंबर का, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो कोई भी ए वेक्टर है जो मेरे पास, या मैं एनी आर वेक्टर ले लूं जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस ए का निकालना है तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 36 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना आया ना 7, और ये कितना आया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 7/3, आंसर कितना आ जाएगा 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x, इसका जब भी इंटीग्रेशन करना हो, देखो ये एक्स आ गया, प्रॉब्लम इस एक्स की है, अगर ये एक्स ना होता तो ये फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, हम आराम से सॉल्व कर लेते। तो क्या करेंगे, अब मुझे इस एक्स को हटाना है, तो इस एक्स को हम कैसे हटाएंगे, ये है एक्स माइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x dx। तो कैसे हटाएंगे, हमने एक आइडेंटिटी पता है हमें क्या होती है, 0 to a एफ ऑफ एक्स जो डीएक्स है वो किसके इक्वल होता है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π, इसको क्या लिखे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos² π - x dx। ठीक है, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to π, ये तो ठीक है पाई माइनस एक्स, अब मुझे पता है पाई पर कुछ भी चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा कॉस कॉस ही रहेगा। अब देखो ये है पाई, पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, देखो स्कूल का एस आ गया मतलब साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा, तो ये साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया एज इट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब देखो कॉस होता तो नेगेटिव है लेकिन ये कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स लिखो या कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखो सेम बात होती है ना, तो कॉस होता तो नेगेटिव है पाई माइनस एक्स पर, लेकिन जब मैं इसको पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो ये वापस कॉस स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। तो इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करती हूँ तो आई प्लस आई 2i हो गया इज इक्वल टू 0 to π, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये साइन 1 sin x upon 1 plus cos² x तो बाहर आ जाएगा कॉमन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ क्या बचेगा पाई माइनस एक्स dx। अब हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, इस एक्स की ही तो प्रॉब्लम थी, तो ये एक्स ये पाई तो बाहर आ गया, ये 0 to π ये बन गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos² x। बस अब तो हम आराम से कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि इस कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट कर दू तो ये क्या होगा साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये तो मेरे पास बन गया क्या 2i, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ बेटा, 2i इज इक्वल टू ये पाई, और ये आ गया मेरे पास माइनस, बाहर आ जाएगा ये डी टी अपॉन 1 प्लस t² यहाँ तक का काम तो हो गया। अब इंटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करनी है, अब कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 0 कितना होता है 1, अब लिमिट उल्टी हो गई ना, हमेशा छोटी नीचे होती है बड़ी ऊपर होती है, तो अब लिमिट इंटरचेंज कर देंगे, अब हमें पता है इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए टू बी एफ ओ एक्स डी एक्स है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं बी टू ए एफ ओ एक्स
एक्स डीएक्स कब? नेगेटिव साइन से। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 to 1 dt अपॉन 1 + t²। अब ये देखो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन कौन सा होता है, सम फंक्शन। जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स को -f + f(x) आ जाए तो ये विषम फलन है, क्या है, सॉरी सम फलन है, क्या है, सम फलन है, मतलब इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब इवन फंक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 times of 0 to 1, और ये बन जाएगा dt/1 + t²। 2 से 2 भी गया, i = π, और ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स t का, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, तो लिमिट पुट करोगे तो tan 1 कहाँ हो, क्या होता है, π/4 पर, तो tan 0 0 पर, तो आंसर आ जाएगा π²/4। आंसर कितना आ जाएगा, π²/4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आ गया, राइट आंसर। मैंने आपको बिल्कुल एक एक प्रॉपर प्रॉपर्टी बताई है बेटा, अगर ये खुद से आएगा, आपको आता होगा, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखोगे, यहां से ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाई कॉमन लेके ये लिख देना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने, तुम स्किप कर सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर समझाने के लिए एक एक स्टेप बताए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है ये देखो, मेरे पास ये सीधा एक रिजल्ट ही है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a to b, ये f(x) हो अपॉन f(x) + यहाँ f(a+b) -x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट by 2, ठीक है। तो ये देखो f(x) और ये a+b का सम है 7 - x, तो आंसर कितना होगा, 5 - 2 by 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 by 2। आंसर कितना आ जाएगा, 3 by 2, सीधा आंसर हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये मेरे पास लिमिट का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो, ये मेरे पास क्या है, a = लिमिट x→0 लैम्डा -√λ²-x² -x²/4/x⁴। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो मेरे पास इससे ये क्या आएगा, इसमें है कि मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ x को 0, तो ये देखो 0 0, और यहाँ बचेगा लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो लैम्डा 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो या तो हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल लगाना है, क्या करना है, या तो हम यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, या दूसरा है ना, इसको करने का एक और तरीका है, क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, क्या बाइनोमियल, लेकिन कब लगेगी, जब इसमें से लैम्डा कॉमन निकलेगा। बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें पता है, 1 + x^n, तो वो होगी 1 + nx + n(-1/2)·x², ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक, तो 1 लगाएंगे तो a = a की वैल्यू निकालने, तो उसको छोड़ो, लिमिट x→0 लैम्डा, मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन लूंगी तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1 - x/λ² या x²/λ² raised to power 1/2 -x²/4 अपॉन x²। क्या लगाएंगे, बाइनोमियल लगा देते हैं। तो देखो लैम्डा, अब बाइनोमियल है ना, वहां तक ही लगानी है जितनी नीचे x की पावर है, नीचे x की 4 पावर है तो 4 तक लगाएंगे, नीचे मुझे x की पावर 2 नजर आती तो 2 तक ही लगाते, मोस्टली लगती है 2 तक ही, मतलब सिर्फ मोस्टली मुझे 90%, तो 99% तो यही 2 स्टेप यूज होते हैं। ये स्टेप कभी कभी ऐसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे तो ही यूज होगा। तो यहाँ देखो बाइनोमियल लगाएंगे तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, लैम्डा -λ, इस पर बाइनोमियल लगाएंगे, देखो एक तरीके से क्या है, ये पावर एन आगे आ गई, तो 1 - 1/2 आगे आ गया x²/λ² प्लस, देखो प्लस क्यों हुआ, ये तुम्हारे पास अगर मान लो मैं नेगेटिव लिखती 1 - x की पावर n, तो तुम क्या करते, 1 + x^n, तो क्या होता 1 + n, और ये क्या आ जाता, x की जगह -x + n(-1/2)·x की जगह -x, तो क्या होता 1 - nx, और ये देखो जहां इवन पावर होंगी तो वो पॉजिटिव ही आएगा, जो ऑड पावर होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी,
ये देखो, और जो इवन पावर है वो पॉजिटिव। अब देखो अगला, ये क्या बनेगा, एन एन क्या है, 1/2, 1/2 इंटू 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, और ये बनेगा x² / λ² का होल स्क्वायर। देखो जब होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर कितनी हो गई, 4, x की पावर 4 हो गई, बस मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा -x² / 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ठीक है, बस। अब अरेंज कर लो, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/2 x² / λ² यहाँ आ जाओ, 1/2 -1/2 और 1/2 -1/8, और एक माइनस ये, तो ये माइनस ये आएगा और एक माइनस ये वाला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 x² / λ² 4। अच्छा लेमडा से भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ क्या बचेगा लेमडा, और यहाँ क्या बचेगा λ³। ये लेमडा भी तो बाहर सबके साथ आएगा, और लास्ट में क्या है, -x² / 2/4 x² / 4। बस अब थोड़ा सा समझने का है, वैल्यू एक तरीके से तुम्हारी आ गई। देखो अब लिमिट देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं जो चीज बता रही हूँ वो समझाने के लिए x² कॉमन ले लो। यहाँ क्या आया, 1/2 λ / 1/4 x² प्लस ये आया x² / 4/8 λ³। अब x की पावर 4 दोनों के अपॉन आएगी, है ना, देखो x की पावर 4 इसके साथ भी आएगी, x की पावर 4 इसके साथ भी आएगी। जब इसके साथ आएगी तो ये कैंसिल हो गया, जब इसके साथ आएगी तो कैंसिल हो गया, लेकिन जब यहाँ आएगी, जब यहाँ आएगी, एक बार लिख के बता देती हूँ, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। जब यहाँ आएगी तो यहाँ जब x की पावर 4 आएगी तो यहाँ तुम्हारे पास 2 बच जाएगा, और x को 0 पुट करोगे तो 1/0 इनफिनिटी बना देगा। क्या बना देगा, इनफिनिटी, जबकि ये कह रहा है कि a जो भी तुम्हारे पास है वो ए तो फाइनाइट है, वो ए तो निश्चित है। देखो ए तो क्या है, निश्चित है, मतलब फाइनाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास इनफिनिटी तो नहीं हो सकता। अब इनफिनिटी नहीं हो सकता तो क्या करें, अब ये इनफिनिटी तभी नहीं होगा जब इसके अंदर ये एक्स की पावर 2 ना हो, ठीक है। अगर ये किसी तरीके से मैं x की पावर 2 हटा दूं, खत्म हो जाए, तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा। अब x की पावर 2 कैसे खत्म हो सकता है, अब x या x को तो हम 0 ले नहीं सकते, तो क्या करें, जो इसका कॉफिशियंट है, अगर मैं ये कह दूं कि ये जो मेरे पास 1/2 λ - 4 है, -1/4, ये इसको मैं 0 ले लूं, x तो 0 नहीं हो सकता ना, एक्स 0 हो गया तो फिर मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ कंडीशन ही नहीं है, तो क्या होगा, ये मेरे पास इसका मतलब ये क्या है, ये 0 ले लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो 2λ = 4 आ जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अब लेमडा की वैल्यू 2 मुझे मिल गई, ये रहा एक ही ऑप्शन है, वैसे तो बाकी खत्म हो गए, तो लेमडा की वैल्यू 2, अब इसको मैंने 0 ले लिया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा x की पावर 4 अपॉन दिस, x की पावर 4 अपॉन 8 लेमडा क्यूब अपॉन x की पावर 4, खत्म हो गया, तो बचा 1/8 λ³। अब 1/8 λ³ बचा तो वो यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वाला तो आंसर नहीं है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ही मैच नहीं होती, तो ए की वैल्यू में, ए की वैल्यू क्या आई, 1/8 λ, लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2 है तो 1/64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/64, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/64 आ जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से बिल्कुल ध्यान से स्टेप वाइज एक बार वीडियो को दोबारा रिकॉल करके देख लेना, पीछे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आपको बताया है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, ये बाइनोमियल कोफिशियंट है, तो देखो अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं तो ये सारे पॉजिटिव हैं, 1 + x की पावर n क्या होता है, वो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, ये भी है NC0, ये इस टाइप से लिखे हुए थे, इस टाइप से लिख लेते हैं, NC0 + NC1 x + NC2 x² + NC3 x³ 3 up to so on, ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मुझे क्या है,
ये तो मैंने लिख ली बाइनोमियल, लेकिन यहाँ नजर क्या आ रहा है? देखो एक चीज, ये एन है ना, एक बात ध्यान रखना, तुम एन सी जीरो लिखो या सी जीरो लिखो, वो सेम बात है, सेम बात है। तो यहाँ देखो मुझे इसके साथ टू नजर आ रहा है, इसके साथ टू स्क्वायर, इसके साथ टू क्यूब, एक पावर ज्यादा नजर आ रही है। तो किसका मतलब क्या है? पावर ज्यादा तभी नजर आती है जब इंटीग्रेशन हो। क्या है? पावर ज्यादा तभी नजर आती है जब इंटीग्रेशन हो, क्योंकि ये एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, देखो एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की क्यूब बाय थ्री, तो एक्स की क्यूब बाय थ्री। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एक्स वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ क्या आ जाएगा, सी जीरो, मैं ना अभी एन नहीं लिख रही, सी जीरो एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी टू एक्स की थ्री बाय थ्री प्लस सी थ्री एक्स की फोर बाय फोर। अब टू ये कहाँ तक लेके गया हुआ है, इलेवन तक लेके गया हुआ है टू, तो ये हो जाएगा सी टेन, सी टेन से फोर, सॉरी टेन तक लेके गया हुआ है, टेन तक लेके गया है, और एक पावर ज्यादा है, एक पावर क्या है, सी थ्री। देखो यहाँ थ्री है तो यहाँ फोर है, ठीक है, यहाँ थ्री है तो यहाँ फोर है, तो यहाँ तुम्हारे पास अगर टेन है तो यहाँ एक्स की पावर इलेवन अपॉन क्या आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर इलेवन बाय इलेवन। तो अब देखो तुम्हें एक्स को क्या, तुम्हें करना क्या है, पावर कितनी है, इलेवन है, तो तुम्हारा एन की वैल्यू मिल गई, क्योंकि देखो वैसे तो हमने एन तक लेके गए हुए थे लेकिन इसने इलेवन पर स्टॉप किया हुआ, तो इसका जो एन है, इसका जो एन है वो इलेवन है, तो इस जहां भी एन था उस एन की जगह क्या रख दो, इलेवन, तो ये इलेवन प्लस वन हो जाएगा, सॉरी इलेवन नहीं है, टेन है, टेन है ना, वो तो पावर बन के आई, सॉरी टेन है, टेन प्लस वन अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा, टेन प्लस वन, तो ये कितना आ गया, अब एक्स को अब रख दिया टेन, अब स्टॉप हो जाओ। आगे देखो और क्या चेंज किया हुआ है, और क्या चेंज किया हुआ है, देखो सी नोर का कोफिशियंट टू, सी वन का कोफिशियंट टू स्क्वायर टू क्यूब, क्या नजर आ रहा है कि इस एक्स को अगर मैं टू पुट कर दूं तो ये देखो ये है टू सी नोर, ये है टू की पावर टू बाय टू सी वन, ये है टू की पावर थ्री बाय थ्री सी टू, ये है टू की पावर फोर बाय फोर सी थ्री, एफ टू सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब एक्स को क्या पुट कर दे, टू, एक्स को टू पुट करेंगे तो एक तरीके से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने, जीरो टू टू, ऐसे ही पुट नहीं करना, एक तरीके से हमने इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली है जीरो टू टू, इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली जीरो टू टू, तो यहाँ पुट करोगे टू तो टू की टू प्लस वन थ्री, थ्री की पावर इलेवन अपॉन इलेवन माइनस, जब जीरो पुट करेंगे तो वन बाय इलेवन, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर बना थ्री रेज टू पावर इलेवन माइनस वन अपॉन इलेवन, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो इस टाइप से जब भी तुम्हें जो चेंज नजर आए, जो क्वेश्चन में चेंज नजर आए वो करते जाओ, बस यहाँ ध्यान रखना वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है, एक तरीके से तुमने जो यहाँ इंटीग्रेशन किया था ना, वो इंटीग्रेशन तुमने जो है वो जीरो टू टू किया है, इंटीग्रेशन क्या किया है, जीरो टू टू किया है, तो वो चेंज देख लिया हमने कि एक्स की वैल्यूज में चेंज क्या हो रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते गए। अगर यहाँ वन होता तो वन पुट कर लेते, टू है तो टू पुट कर लिया, थ्री है तो थ्री पुट कर लेते। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। लैम्डा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन पाई बाय 14 वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। देखो मैं इस पाई बाय 14 को थीटा रख लेती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा, ये आ गया साइन 3 थीटा, और ये आ गया साइन 5 थीटा। और यहां से क्या करती हूँ, ये साइन थीटा है तो मैं इस क्वेश्चन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा से डिवाइड कर देती हूँ, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया क्या, साइन 2 थीटा। ठीक है, और इस 5 को साथ में ले लेती हूँ, भी बताती हूँ मैंने 5 को ही क्यों साथ में लिया, इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट करना है ना हमें, तो ये 2 cos थीटा। अब मैं फॉर्मूला फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फिर ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2 sin a cos, 2 sin a sin b का, क्या होता है ये बनेगा cos
ए माइनस बी, तो ए माइनस बी 5 माइनस 3 3 थीटा, और माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 7 थीटा, और बाहर है साइन 3 थीटा। देखो क्या फायदा हुआ मेरा, अब बताती हूँ मैं तुम्हें, 4 cos थीटा। अब ये देखो ये 7 थीटा है, अगर मैं थीटा की वैल्यू रखू π/14 तो 7 × 2 = 14 क्या आ गया, π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, और इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ बचा cos 3 थीटा, यहां बचा साइन 3 थीटा, और डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 sin a cos b, तो ये फिर मेरे पास फॉर्मूला है, यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ मैं इसको, ये फिर है किसका फॉर्मूला है, साइन 6 थीटा का अपॉन 8 cos थीटा। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ऊपर 6 है नीचे थीटा है, तो यहाँ क्या कर दो, ये आ जाएगा साइन, इसको लिख दूं मैं 7 θ - θ अपॉन 8 cos θ, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी अपॉन 8 cos θ, फिर वही ये फिर 0 क्योंकि ये कॉस 7 θ है, और 7 θ π/4 π/2 ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो बचा क्या, साइन 7 θ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 8 cos θ, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और ये 7 π, ये 7 × π/14 रखेंगे तो ये आएगा sin·7π/14 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास वैल्यू 1/8, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/8 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन दिस द प्लेन एंड द लाइन। जब भी प्लेन और लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना हो, कोई भी लाइन दे रखी है, x−x1 / a = या a1 लिख लो, y−y1 / b1, और z−z1 / c1, और एक प्लेन दे रखा है a2x + b2y + c2z +3 या कुछ भी = 0 +p = 0, तो मुझे एंगल निकालना है। तो एक लाइन और एक प्लेन, हमेशा जो एंगल निकालते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो भी मेरे पास किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, जो भी एक प्लेन और एक लाइन एंगल बनाएंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है हमेशा, तो इसलिए ये ना एंगल बनता है sin·90 − θ, उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, तो sin·90 − cos·90 − θ, तो इसलिए इसको sin θ लिख लेते हैं। और वो होता क्या है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1² + b1² + c1² इंटू √a2² + b2² + c2² ठीक है। तो मेरा देखो a1 a2 a3 क्या है, ये आएगा sin θ। हमेशा याद रखना, जब एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो हमेशा कॉस नहीं साइन आएगा, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a1 b1 c1, तो इनको मल्टीप्लाई देखो किसको किया हुआ है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो 2 3 3 2 = 6, और ये हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे तो 2, 4 को 3 से करेंगे तो −12, डिवाइडेड बाय √3² + 2² +4² √2² + 1² −3² तो ये क्या आ जाएगा, −8, −4 आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय ये आएगा 9 + 4 + 16 29, और ये बनेगा 4 + 1 + 9 10 14, तो ये आएगा −4/√29 × 14, जो कि क्या बनेगा साइन इनवर्स, ये साइन उठ के इधर आएगा, साइन इनवर्स 4/, इसकी वैल्यू क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 406, कितनी आएगी इसकी मल्टीप्लीकेशन, 406। आगे बात कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ध्यान से देखो, ये है −1 + −√3 है, तो √3 i लिख लेते हैं raised to power 62, +−1 − √3 i raised to power 62। अब मुझे ना कुछ वैल्यूज पता है, क्या मुझे पता है कि ओमेगा होता है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ना,
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, इनकी प्रोडक्ट वन आती है, इनका सम जो है वो क्या आता है, जीरो। सम क्या आता है इनका, जीरो। ये कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो कमी किसकी नजर आ रही है, 2 की, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 62 लिया, तभी तो इसके अंदर आया, तो 2 की पावर 62, यहाँ भी 2 की पावर 62 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 2 की पावर 62 तो बाहर आ गया, ये बचा ओमेगा की पावर 62, ये है क्या, ओमेगा स्क्वायर की पावर 62। ठीक है, अब हमें अगली चीज क्या पता है, ये तो 2 रेज टू पावर 62 ठीक है, अब हमें पता है कि ओमेगा, अगर ओमेगा 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब इतनी बड़ी पावर तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो यहाँ देखो इसको लिख लें, ओमेगा की पावर 62 इंटू ओमेगा, सॉरी, ओमेगा की पावर 60 इंटू ओमेगा की पावर 2, ऐड करेंगे तो वापस 62 आ जाएगा। इसको देखो, इसको लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 62 है, तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ये होगा 124, 2 2 4 6 2 12, 124, तो ओमेगा की पावर 120, एक कर लेती हूँ, 3 का मल्टीपल है 120, और ओमेगा की पावर 4 अलग छोड़ देती हूँ, तो देखो 3 का मल्टीपल है 1 हो गया, 3 का मल्टीपल है 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 2 रेज टू पावर 62 डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ओमेगा की पावर 4, जिसको ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ये तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 3 भी क्या बन गया, 1, तो ये मेरे पास क्या बचा, ओमेगा, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1, तो -2 रेज टू पावर 62 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो गया। अगला है, द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नजर आए, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नजर आए, अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ये एक दूसरे के कॉन्जुकेट हैं और इनका सम करो तो देखो यहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, और तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो जो भी पावर है उसको +-1 रख दो, एक बार उसको -1 के इक्वल ले लो और एक बार +1 के इक्वल, एक बार -1 के, एक बार +1 के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-√2, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इनका एक मूल जो है उभयनिष्ठ है, मतलब एक जो रूट है वो इक्वल है, तो देन के की वैल्यू निकालो। तो देखो इसका एक रूट इक्वल है, मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मानने को मान सकते हो उसको, वो रूट अल्फा है, लेकिन हम मान लेते हैं वो कॉमन रूट एक्स है। ठीक है, हम इसको क्यों बार बार लिखेंगे, हम मान लेते हैं वो कॉमन रूट जो है एक्स है, तो उस कॉमन रूट की मुझे क्या चाहिए, के की वैल्यू, मैं के की जगह ना उस कॉमन रूट की वैल्यू निकालती हूँ। कैसे, मान लो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 kx, यहाँ से आएगा 6, 56 इज इक्वल टू 0, तो 2 kx इज इक्वल टू 56, तो यहाँ से आ गया kx इज इक्वल टू 28, तो x निकालना है, तो 28 बाई k। देखो अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, अब मुझे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन नहीं लग रहा सेटिस्फाई करेगा, मुझे लग रहा है कि 28 को ना सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, 4, तो अगर मैं 28 को यहाँ 4 ले लूं, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 7 और k की वैल्यू 4, तुम्हें डाउट लगे एग्जाम में, ठीक है, मान लो दो ऑप्शन दे रखे हो जो उसको डिवाइड करते हो, तो वही दो ऑप्शन उठाओ,
क्या के एक्स की वैल्यू 4 और के की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू 7 और के की वैल्यू 4 है। पुट करके देख लो ये दोनों वैल्यू, जब एक्स को 7 और के को 4 रखोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो मतलब हमने जो माना है वो ठीक है। आगे बाय ऑप्शन से जाओ, हमने जो माना है वो ठीक है अगर इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। देख लो ये 49 माइनस 4 इंटू 7 28 माइनस 21, तो ये माइनस का 49, ये प्लस का 49, 0 आ रहा है। चाहे यहाँ पुट करके देख लो, ये तुम्हारे पास क्या है 49 माइनस, यहाँ पुट करोगे 28, 28 को 3 से करेंगे और 35, तो ये आएगा तुम्हारा 35 जोड़ोगे तो 4 और 84, और ये भी आ रहा है माइनस 84 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। दो ऑप्शन हो तो पहले एक से करके देख लो, उससे सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब दूसरे वाला है। ठीक है, इसका मतलब दूसरे वाला है। उसके बाद अगला, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस एंड, ये दो इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, और वो जो इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होती है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। हम प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट रखेंगे और उसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। देखो नेगेटिव पार्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास ये 2 3 और -4 है, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है। अगर तुम वाई को रखते हो, वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव होगा, तो देखो ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये होगा 21, -4 रखोगे तो ये प्लस का 16 और ये माइनस का 5, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। यहाँ भी ये प्लस का हो जाएगा, तो कौन सा सेटिस्फाई होगा, नेगेटिव वाला। और नेगेटिव वाला भी कौन सा पार्ट सेटिस्फाई होगा, सॉरी पॉजिटिव वाला कौन सा, डी ऑप्शन, क्योंकि पुट करके देखो ये आ जाएगा वाई 21 और इसको पुट करोगे तो -16 और ये -5, तो 21 -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पुट करोगे तो नहीं होगा क्योंकि ये -28 बनेगा और ये 12 बनेगा और ये प्लस का 5, तो इसके इक्वल नहीं आ सकता। तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट दे रखे हो कि इनसे पास होने वाला प्लेन बताओ, तो कुछ नहीं करना, उन पॉइंट को पुट करके देख लो ऑप्शन में, जो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएंगे। प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास होगा तो वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ये जब भी यहाँ ये अब की बार बर्नौली के कई क्वेश्चन पूछे हुए थे बीपीएससी में, जब भी यहाँ तुम्हें वाई नजर आ जाए, जब भी यहाँ क्या नजर आ जाए, वाई नजर आ जाए, तो मींस तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो बर्नौली का है। तो क्या करोगे, इसको पहले पहले क्या करो, यहाँ वन बनाओ, पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स के कॉफिशियंट को वन बनाओ। अगर वन है तो ठीक है, वन है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, वन नहीं है तो पहले इसको वन बनाओ, तो वन बनाओगे तो एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 4 y x² / x³ 10y, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 sec y। इतना कर दिया, अब इसको यहां से y हटाओ, यहां से y हटाओगे तो ये बन जाएगा 1 by sec y, इस पूरे को y sec y से क्या कर दोगे, डिवाइड, जो भी यहाँ y की टर्म होगी, ये 4 by x, ये 10y अपॉन sec y। जब भी तुम्हें वहां नजर आ जाए कि यहाँ पर तुम्हारे पास y की टर्म है, तो मतलब ये बर्नौली का क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स में है और यहाँ एक्स की जगह वाई नजर आ जाए, तो बर्नौली का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे इस वाई को हटाना है। ये वाई तब हटेगा जब इससे डिवाइड करोगे, लेकिन ये एक ध्यान दे देना डिवाइड करने से पहले कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, ये हो गया कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4 by x, ये आएगा साइन वाई और ये है e की रेज टू पावर x, x की पावर -4। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि ये बनेगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई और सिकेंड का मतलब भी है 1 by cos y, कैंसिल हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा, अगला स्टेप जब तुम इसको कुछ पुट करोगे ना, तो एज इट इज ये पूरा का पूरा तुम्हें नजर आएगा। हमेशा जब भी बर्नौली का क्वेश्चन होगा तुम
तुम यहाँ जो भी वाई की वैल्यू आई उसको कुछ पुट कर दो, और देन अगर साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी जेड बाई डी एक्स। कोई कॉन्स्टेंट वगैरह आता होगा वो तो अलग बात है, अदरवाइज इसको कुछ भी पुट करते ही ये नजर आ जाएगा। तो वैल्यू रख दो इसकी जगह क्या रखोगे, डी जेड बाई डी एक्स। कई क्वेश्चन आए थे बर्नौली के, 4 बाई एक्स जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, एक्स की पावर -4। बर्नौली होती है किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करना, किसमें, लीनियर इक्वेशन में। किसी भी इक्वेशन को किसमें रिड्यूस करना, लीनियर इक्वेशन में, तुम्हारी बर्नौली होती है। तो अब तुम्हारे पास यहाँ से क्या आएगा, कर दिया रिड्यूस लीनियर में, लीनियर मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और क्यू एक्स के फंक्शन होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पी है और ये क्यू है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर पी डी एक्स, 1 बाय एक्स 1 4 बाय एक्स डी एक्स, 4 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग एक्स। तो यहाँ से ये बनेगा ई रेज टू पावर लॉग एक्स, पावर ऊपर चली जाएगी क्योंकि मुझे पता है ये कैंसिल हो जाना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा एक्स की पावर 4। तो अब सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन क्या होगा, अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो वाई इंटू, तुम्हारा वाई नहीं होगा, तुम्हारा क्या है, जेड है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तुम क्या है, एक्स की पावर 4, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो देखो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, ये यहाँ रख देती हूँ, ये आया जेड इंटू एक्स रेज टू पावर 4, ई की पावर एक्स का करोगे इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा प्लस सी। जेड की वापस वैल्यू पुट कर दो, जेड को वैल्यू पुट करोगे तो जेड को हमने क्या माना था, साइन वाई, ठीक है। तो ये देख लो साइन वाई, अब साइन में ये तो कैंसिल हो गए, या तो ये है या ये है, तो साइन वाई, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया हुआ है, तो ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। कुछ बचा तो नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ। और भाई सी की वैल्यू पुट कर लो, सी को वैल्यू पुट कर लो, बस यही है, सी की वैल्यू पुट कर लो। तो क्योंकि सी आंसर में नहीं है, तो ये देखो यहाँ पर जब एक्स 1 है तो वाई क्या है, 0। तो एक्स को 1 रखोगे और वाई को 0 रखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या होगा, ये तो 0, एक्स को 1 रखा तो ई और प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई आ जाएगी। लेकिन इससे तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, सी को माइनस ई पुट करके खिचड़ी इतनी बन गई इसमें। तो अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आया साइन वाई ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस माइनस ई बाय एक्स रेज टू पावर 4। आंसर तो बनना चाहिए सेकंड, ये तो कंफर्म है। अब हमसे है ना, इस खिचड़ी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है।
अरे यहाँ एक्स की पावर 3 था, मैंने यहाँ एक्स की पावर 3 से डिवाइड किया था ना, तो एक्स की पावर 3 लेना था, मैंने 4 लिख दिया। मैं वही कह रही हूँ ना, हमसे कोई गड़बड़ हुई है। और यहाँ एक एक्स बचेगा, और एक एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे ना बेटा, तो वो एक की पावर एक्स एक्स माइनस वन ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू 0 बनेगी, और सी की वैल्यू 0 बनेगी। और यहाँ से इसको ठीक कर लेना, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, जो ये आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 आएगा, और इसको साथ में लिखा हुआ, ठीक है। मिल गई गड़बड़, ये गड़बड़ थी, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से करना। वैसे मैंने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि बहुत इजी पेपर मुझे नहीं लगता तुम्हारा आएगा, इतना लेवल तो आएगा ही। और अब की बार इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे आए हुए थे, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी जो है क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे, तो क्लास को लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर कर दिया करो।